ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लं पृथ्वी आत्मकं गंधं परिकल्प्यामि। जय माता दी। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आषाढ़ गुप्त नवरात्रे के चौथे दिन 10 महाविद्याओं में चौथे दिन की माँ भुवनेश्वरी की कथा। बंधुओं, माँ भुवनेश्वरी जिनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, वे तुंग कुचा और तीन नेत्रों से युक्त देवी है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। बंधुओं, भुवनेश्वरी माँ का एकाक्षी मंत्र है रीम। जो मनुष्य भी माँ भुवनेश्वरी के रीम मंत्र की माला करते हैं, उनकी माँ हर मनोकामना शीघ्र पूरी करती हैं। बंधुओं, भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रद होती है। इनके बहुत से स्तोत्र हैं जो प्राय दुर्लभ ही हैं। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हुई। वे भुवनेश्वरी महाविद्या अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प, शाख मूल लिए हुए थी। तब भुवनेश्वरी माँ ने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों और सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सिंच गई। अपने हाथ में लिए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गम असुर को युद्ध में मारकर उनके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को उन्हें सौंपा था। इसके बाद इन भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार समस्त महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा ही आराधना किया करते हैं। ब्रह्मील तंत्र व पुराणों के अनुसार प्रकार अंतर से काली और भुवनेश्वरी दोनों में अभेद है, कोई अर्थात कोई अंतर नहीं है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्त वर्णा काली है। बंधुओं, 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे 3 लोकों की स्वामिनी है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्याशक्ति भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं, यानी सखी हैं। इस संबंध में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार मधुकेटम नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकेटब को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया और जागृत हुए। उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकेटब नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे, हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ
ना ही जल हो ना ही स्थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु कैटप का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन, शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व गुण तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन है। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के बाद वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगी और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा, एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था, अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर पाश अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के समान कांतिमय थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर और ब्रह्मा जी से कहा, ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट आए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। बोलो भुवनेश्वरी माता की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, जय कारा शिरावलिदा, बोल साचे दरबार की जय हो। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः, लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्प्यामि।
ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। ओम रीम भुवनेश्वरी दिव्य नमः लम पृथ्वीआत्मकम गंधम परिकल्प्यामि। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।